तो दोस्तों बिहार बीएड एडमिशन से रिलेटेड एक और वीडियो लेकर आ चुका हूँ। यहाँ पर आप सभी को बताने आया हूँ कि अगर आपका क्वालिफाई मार्क जो आया है बहुत कम है, सिर्फ आप क्वालिफाई किए हैं, आप लोग सोच रहे हैं कि तो मुझे एडमिशन नहीं मिल पाती, मुझे कॉलेज नहीं मिल पाती, लेकिन आप सभी के लिए खुशखबरी की बात है कि कम क्वालिफाई मार्क्स पर भी आपको कॉलेज मिल सकती है। अच्छा कॉलेज या आपका जो सीमेल रैंक लाया गया है वो सीमेल रैंक अगर बहुत ही ज़्यादा हाई है तो उस हाई सीमेल रैंक पर भी आपको कॉलेज अच्छा अलॉटेड किया जाएगा। वो मैं कैसे बता रहा हूँ ये सारी बातों को आपको इस वीडियो में क्लियर करूँगा। तो टाइम लेते हुए चलिए शुरू करता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त अकाधनराज और स्वागत है आपका अपना चैनल एंड्रॉयड पाठशाला में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये दोस्तों नीचे आते हैं देख सकते हैं यहाँ पर है कि आप सभी लोग से कॉलेज च्वाइस कीजिएगा। उसके बाद आपको काउंसलिंग के लिए जो अपडेट आएगा तो आप सभी लोग 19 से 25 तारीख के बीच 3000 रुपया पेमेंट करके आप काउंसलिंग के लिए प्रोसेस करेंगे। दोस्तों ये था जो न्यूज़ जो आपको बता दिया हूँ, जो अपडेट किया गया था आज का पेपर में। अगर आपका कम मार्क्स है या हाई सीमिल रैंक है तो भी आपको अच्छा कॉलेज मिल सकता है, क्योंकि आप सभी लोग सोच रहे थे कि मेरा तो बहुत ही कम नंबर है और बहुत ज़्यादा इस बार लोग एग्ज़ाम दिए हैं तो मुझे कॉलेज अलॉटेड नहीं हो पाएगा, इस कारण बहुत सारे लोग कॉलेज च्वाइस नहीं किए थे। लेकिन दोस्तों आप सभी लोग बहुत ही गलती किए हैं। दोस्तों आप सभी को जानकर ये हैरानी होगी कि मात्र 65% लोग ही कॉलेज च्वाइस मतलब कि रजिस्ट्रेशन किए। हाँ दोस्तों बात बिल्कुल सही है, मात्र 65%। 11 तारीख यानी कि आज के सुबह के अनुसार जो अपडेट किया गया था, लोग टोटल 66,000 लोगों ने मात्र कॉलेज च्वाइस के लिए फॉर्म फिल किया है। और आपको बताता हूँ कि टोटल इस बार बिहार में 1,12,000 कैंडिडेट्स है जो क्वालिफाई किए, मतलब कि ये सभी लोग कॉलेज च्वाइस कर सकते हैं। लेकिन अभी तक 11 तारीख के डेट में टोटल 66,000 लोगों ने कॉलेज च्वाइस फॉर्म फिल किया गया है। और तो 12 तारीख यानी कि एक दिन बचा हुआ है, तो एक दिन में अगर मान लेते हैं 10,000 भी लोग कॉलेज च्वाइस करते हैं नया कैंडिडेट, तो टोटल मिला के 76,000 कैंडिडेट है जो आज, तो 76,000 कैंडिडेट है जो कॉलेज च्वाइस किया है टोटल ओवरऑल 1,12,000 कैंडिडेट में। दोस्तों देखते हैं यहाँ पर है जो लगभग 66% लोग ही मात्र कॉलेज च्वाइस किए हैं, इसी कारण कम कट ऑफ नंबर और हाई सीमेल रैंक के अनुसार आप सभी का एडमिशन किया जाएगा। क्योंकि दोस्तों मैं बताता हूँ, सपोज आप इमेजिन कीजिए कि टोटल कैंडिडेट 100 लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है, ठीक है, तो उसमें जो सीमेल रैंक होगा कट ऑफ जो जारी किया जाएगा वो हाई कट ऑफ जारी किया जाएगा। लेकिन इतना फॉर्म ना फिल करके मात्र 50 लोगों ने फॉर्म फिल किया है तो 50 कैंडिडेट के ही अनुसार आप सभी का रैंक जारी किया जाएगा। तो यहाँ पर जितना कम जनसंख्या होगी उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगी, जितना कम नंबर आया है आप लोगों को, जितना ज़्यादा सीमेल रैंक किया आप लोगों के लिए। तो इसी काल में बता रहा हूँ कि जिन लोग का बहुत ही ज़्यादा कम नंबर था आप सभी के लिए खुशखबरी की बात है कि आप सभी को भी अच्छा कॉलेज मिलेगा। आप सभी लोग मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि सर बहुत ही कम नंबर है तो क्या मैं कॉलेज च्वाइस करूँ, तो आपने कर दिया तो अच्छी बात है। आप सभी को कॉलेज अब 100% तो नहीं कर सकता हूँ लेकिन 90% है कि आप सभी को मिलेगी, क्योंकि कैंडिडेट ज़्यादा हो जाएगी और कॉलेज का सीट है वो कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिक आप सभी को कॉलेज के लिए एडमिशन के लिए कॉलेज अलॉटेड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आते हैं आगे, उसी बीच आपको मेरे स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, व्हाट्सअप नंबर, डायरेक्ट आप इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके बिहार बीएड बिहार डिलेट एडमिशन से रिलेटेड पल पल का न्यूज़ प्राप्त कर सकते हैं। और चाहते हैं स्पॉट राउंड के थ्रू डायरेक्ट एडमिशन प्राप्त करना तो उसके लिए भी आप मेरे इसी नंबर से कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, व्हाट्सअप के थ्रू या तो कॉल करके। डायरेक्ट आप बिहार में कहीं भी अगर चाहते हैं स्पॉट राउंड के थ्रू एडमिशन प्राप्त करना तो आपको कराने में हेल्प करूँगा। स्पॉट राउंड तो फर्स्ट काउंसलिंग सेकंड काउंसलिंग के बाद आपका स्पॉट राउंड होगी, जहाँ पे आप डायरेक्ट किसी भी कॉलेज आकर कॉन्टैक्ट करके एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अगर चाहते हैं मेरे द्वारा तो आपको वहाँ पे कुछ सुविधा दिया जाएगा, उसके लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। तो दोस्तों बस यही थी वीडियो। अब दोस्तों आगे कल भी एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ जहाँ पर मैं बताऊँगा कि जो आपको कॉलेज अलॉटेड हुआ है अगर आपको वो कॉलेज पसंद नहीं है या वो कॉलेज आपको बहुत दूर मिल गया है तो आप अगर चाहते हैं उस कॉलेज को चेंज करना तो आप कॉलेज कर पाइएगा चेंज कि नहीं कर पाइएगा, कल मैं शाम को उस टॉपिक पर वीडियो लेकर आने वाला हूं तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों चाहते हैं सेकंड न्यूज़ से अपडेट रहना तो प्लीज़ मेरे चैनल से बनिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो देने के बाद आपका दिन शुभ हो।